अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं एक नेम कैलीग्राफी कैनवासिस बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने शेप नेम की कैलीग्राफी बनानी है, और ये मेरे क्लाइंट ने मुझे पर्पल शेड का कहा था, तो मैंने पर्पल ही यूज़ किया है। देन सेकंड कैलीग्राफी का बैकग्राउंड भी आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर नाइट, रात के वक्त मैंने बनाई है, तो यहाँ पर आपको अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक का थीम बनाया है कस्टमर की डिमांड पे। तो यहाँ पर मैं पहले ट्रेसिंग की है, उसके बाद मैं राइटिंग करूँगी। दोनों कैनवास पर मैंने ट्रेसिंग कर ली थी। और आप डबल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल पेंसिल से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखा था। व्हाइट कलर का ये है कि आपको डबल कोटिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज वो आपका सही से नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे व्हाइट की मैंने दो कोटिंग की है। अगर आप लोग भी कस्टमाइज नेम कैलीग्राफी बनवाना चाहते हैं, या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, या अरेबिक कैलीग्राफी बनवाना चाहते हैं, तो मुझे DM करें, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या कमेंट कीजिएगा अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक में जो बनानी थी कैलीग्राफी, वो कैलीग्राफी रेड के ऊपर ब्लैक में लिखना था और ब्लैक के ऊपर रेड में लिखना था। तो ये कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो रेड पे आएगा ब्लैक, ब्लैक तो रेड पे अच्छा लग रहा था, बट जब ब्लैक के ऊपर रेड से लिखा तो वो थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने उसकी डबल लेयरिंग की थी। इसके बाद आते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो जब ये दोनों ड्राई हो गए, तो मैंने इसके अप्लाई किया है वार्निश। वार्निश की काफ़ी मेरे वीडियोज़ में है, तो आप लोग चेकअप कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत सी नेम कैलीग्राफी रेडी हो गई है। इसके बाद इनकी कुछ फोटोग्राफी करेंगे और इन्हें पैक करके डिस्पैच करवा देंगे। तो अगर आप लोग भी कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं नेम कैलीग्राफीज़ के लिए। तो ये है खूबसूरत सी पेंटिंग्स। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, अपना नेम मेंशन करें। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूंगी।